हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कीमे के समोसे। कीमे के समोसे बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। एक कटोरी गेहूं का आटा, 100 ग्राम बारीक कुटा कीमा, एक बारीक कटी प्याज, हाफ टी स्पून बारीक कटा लहसुन, हाफ टी स्पून बारीक कटा अदरक, हाफ टी स्पून ज़ीरा, दालचीनी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, नमक, तेज़पत्ता, बारीक कटा हरा धनिया, 1 टेबल स्पून तेल। सबसे पहले हम आटे का डो तैयार करेंगे। इसमें नमक, हल्दी पाउडर डाल के मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रोटी के डो की तरह तैयार करेंगे। डो तैयार है, इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे और कीमा तैयार करेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, ज़ीरा डालकर चलाएंगे। अब इसमें प्याज डालकर हल्का सा चलाएंगे, लहसुन, अदरक डालकर इस सभी को हल्का फ्राई करेंगे। इसमें कीमा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कीमे को हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर चलाएंगे और ढककर मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। 3 मिनट के बाद खोलेंगे और कीमे को हाई फ्लेम पर ड्राई करेंगे। कीमा ड्राई हो चुका है, इसमें गरम मसाला, हरा धनिया डालकर चलाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा निकालेंगे और छोटा सा पेड़ा बनाकर रोटी की तरह बेलेंगे। बहुत पतला सा हमने इसको बेलना है। अब इसमें कीमे की फिलिंग करेंगे। साइडों पर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि इसकी साइड्स अच्छे से चिपक जाए। सभी कीमे के समोसे ऐसे ही तैयार करेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे, कीमे के समोसों को डीप फ्राई करेंगे। समोसे के ऊपर हल्का हल्का तेल डालते रहेंगे, ऐसा करने से समोसे फूल जाएंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, सभी समोसों को इसी तरह से फ्राई करना है। चटनी और प्याज के साथ कीमे के समोसे को सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।